मामला बटाला तो सामने आया है जदों बटाला दे रहन वाले 20 साला नौजवान गुरमीत सिंह वालों अमृतपाल दे हक विच टोल प्लाजे जाम करके रोस धरना देने दे गलत अते भड़काऊ मैसेज नू सोशल मीडिया राही अलग अलग रूपां विच फॉरवर्ड करना शुरू कर दिता। बटाला पुलिस हरकत विच आई अते जांच करते हुए उक्त नौजवान दे घर पहुँच गई अते पुलिस नू पता चलिया कि उक्त नौजवान अपने परिवार का इकलौता पुत्र है अते पिता विदेश विच रोजी रोटी लई रह रहा है। पुलिस ने परिवार की बैकग्राउंड चैक की जो साफ सुथरी पाएगी। इस तो बाद बटाला सिविल लाइन थाने के इंचार्ज कुलवंत सिंह ने उक्त नौजवान नू अते उसकी माता नू समझाया कि इस तरह के मैसेज नाल माहौल खराब हो सकता है अते बिना वजह लोग परेशान हो सकते हैं, इसलिए एहो जे मैसेज जो गलत हैं पोस्ट नहीं करने चाहिए क्योंकि इस नाल उक्त नौजवान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस के समझाने के नाल उक्त नौजवान ने अपनी गलती मनी अते उक्त मैसेजा नू सोशल मीडिया तो डिलीट किया। उस तो बाद पुलिस ने उक्त नौजवान नू बिना कार्रवाई करते हुए छड़ दिता ताकि गुरमीत नाबिक नौजवान का भविख खराब ना हो। मेरा नाम गुरमीत सिंह, सन ऑफ सरदार गुरविंदर सिंह। सर मेरे को मैसेज आया सी, मेरे को फॉरगेट हो गया, मेरे को गलती हुई सी। बाद विच सर होना ने मैनू समझाया कि ग्रुप वालों कि जिहड़ा मैसेज होया सी फॉरगेट किया सी मैं, तो सर होना ने मैनू समझाया तो मैं समझ गया वा मैं गलती भी अपनी मनी सी। फिर सर किस तरीके का मैसेज सी? सर वो मतलब कि धरने वाला सी कि टोल प्लाजे क्लोज करने वास्ते, ते सर उन्होंने मैंने समझाया तो मैं समझ गया। मैं तो लगता कि इस तरीके के मैसेज ना माहौल खराब हो सकता है, जिस तरीके तो ये मैसेज फॉरवर्ड किया जा सकता है माहौल खराब हो सकता है। सर लग रहा सी बट मैं सर होना दे समझाउन ते मैं समझ गया। मैं ग्रुप भी डिलीट करते ते सर जिन्ना ने मैंने फॉरगेट मैसेज किए मैं उन्होंने तो दूरी भी बना ली है। इस करके मैं सर होना बहुत बहुत धन्यवाद करता सर होना का कि सर होना ने मैंने समझाया। नौजवानों की अपील करते हो? सर मैं नौजवानों को यही अपील करता वा कि मैसेज फॉरवर्ड करने तो पहला तुसी समझो, मैसेज सुनो समझो तो फिर सर मदद के अगे करो। इस तरीके दे मैसेज नाल माहौल नहीं खराब हो सकदा ही सर, बट सर उन्होंने मैनूं समझाया मैं समझ गया। सर बेटा बस थोड़ा जिहा गलती हो गई, बहुत मैसेज सी कोई उन्हें गाड़ी करता तो हुण सर होना लैन दा, सर होना समझाया बहुत ज़्यादा बच्चे नूं। बाकी यह है कि उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद है, बच्चे जिन्ना क समझाया वा समझ चुकया वा गाड़ी गलती नहीं करेगा। साड़ी भी रिक्वेस्ट है तुहाडे अगे, अहीं होर ना बच्चों भी कहने कि बच्चे सीधे रस्ते ही चलो, इन्हां च कुछ नहीं इन्हां चीज़ों चो लभना। बाकी है कि साहब की बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्र है, हाथ जोड़ के बेनती है कि मेरा बच्चा हुण जिथों तक उन्हें समझाया पूरा ही समझ चुका। उम्र छोटी सी, उम्र छोटी सी, हाँ जी बहुत ज़्यादा सी, बहुत जो कार्रवाई करते बहुत ज़्यादा होना सी। बाकी है कि मेरा बच्चा समझ चुका है नंबर नंबर सब कुछ उन्हें डिलीट कर सके हूँ नहीं कुछ, मैं समझ गया बच्चा मैं गलती की थी सी। ठीक ठीक ये इस तरह जी जिहड़ा अज हुण चल रहे वारस पंजाब दे जिहड़े उन्हां दे जो भी तुहानूं सारा पता ही है जी, उहदे च साडे भी ना इत्थे एक मैसेज बड़ा वायरल होया सीगा कि टोल प्लाजे वगैरह बंद करने हैं, ते साडे इत्थे इक गुरमीत सिंह सानो गुरविंदर सिंह स्टाफ रोड रहिंदा जी 20-21 साले दी एज है, तो इनू बेसिकली कोई मैसेज पिछों आया तो इन्हें भी गांह फॉरवर्ड किया, इनू फिर बुलाया गया सी, पेरेंट्स भी आए सी इत्थे, तो इनू समझाया गया सारा भी आ गलत है। एस पी डी साहब साढ़े आए एस पी साहब वालों ड्यूटी लगी सी, तो इन्हें फिर अपनी चलो रिलाइज़ भी की गलती, इन्हें जो ये कॉन्टैक्ट से व्हाट्सएप के नंबर सारे ने डिलीट वगैरह भी किए, तो यही मैसेज जरा अं कन्वे करना चाहते हैं कि जरा भी मतलब यूथ है कई बार किसी के बहकावे जो उदा आ के आप कर जाने गलती वो ना कर, असी मतलब पुलिस वालों कि जरूरी नहीं भी हर एक के खिलाफ कोई अपना रिटर्न ही एक्शन करना कोई आपू समझाइए तो वो समझ भी सकता है, ता कि अगे तो बच्चे की एज छोटी होंगी है तो अगे तो उन्होंने एक सुधरन का मौका भी देना चाहिए। लगता सर जो इस तरीके का मैसेज सोशल मीडिया से पेंदे माहौल भी खराब होंगे? नहीं नैचुरल गल है जी, जो एक मैसेज गांह की गांह जाता वा तो वह इफेक्ट तो पैंता ही है, बट चलो उन्होंने काउंटर कर ली जो जो आप समझा दीए जो उन्होंने कह दीए फिर इन ये जरा गुरमीत सिंह इन्ने चलो समझ गया इन्ने फिर जिन्हें ग्रुप से दूजे लिंक इदा के कोई वो सारे इन्हें डिलीट करते हैं तो इन्हें अपने साथियों को समझाया भी इदा आप नहीं करना चाहिए। अपील यही है यूथ को कि जो कोई मैसेज जिदा कोई भड़काऊ जो कोई इदा का कोई एंटी गौरमेंट ज कोई इदा का आता उन्होंने फॉरवर्ड ना किया जाए, उन्होंने सगो मतलब जो साढ़े ध्यान च लियाओ संबंधित अधिकारी कोई भी ध्यान च लिया चाहिए तो उन्होंने फॉरवर्ड करने की बजाय उन्होंने जो कोई लिंक बंदा उन्होंने भी समझाओ कि इदा आप ना करिए।